ये जो भी फसादात हुए हैं, जो कोर कमांडर के घर हमला हुआ या जो भी जो कार्रवाइयां हुई हैं, वो हमारे कारकुन नहीं थे, वो पीटीआई के कारकुन, इनके गुल्लू बट थे, वो इनके गुल्लू बट थे। मैं पहले दिन से कह रही हूँ, इनके गुल्लू बट थे, वो लॉन्च किए गए बंदे थे। और ये वीडियोस भी आना शुरू हो गई हैं, प्रूव आएंगे, वीडियोस आना शुरू हो गई हैं कि वो पीटीआई के बंदे वो या वो लोग नहीं थे। हाँ, चंद शब बनासी जैसे 10-12 अंदर उन्होंने पहल किया, पीछे से वहां एंटर हो गई है एक एडवेंचर देखने के लिए, करने के लिए, तो वो और बात है। अदरवाइज शुरुआत हम लोग पीटीआई या लोगों ने नहीं की। माशाल्लाह के हालात ही नहीं है, कहाँ से कैसे माशाल्लाह लगाएंगे। पहले माशाल्लाह पाकिस्तान में लगते रहे हैं कि अवाम ने माशाल्लाह को वेलकम किया है, इनकी फौजियों माशाल्लाह को इनको फूलों के हार पहनाए हैं गवर्नमेंट से तंग आके। लेकिन अब जो हालात है, अब तो अवाम कह लें टैंकों के आगे लेटने के लिए हम लोग तैयार हैं। अब कौन ये कैसे किसके बिहाफ पे माशाल्लाह लगाएंगे। हमारे सरों पे चढ़ के माशाल्लाह लगाते थे, अब हम नहीं माशाल्लाह लगाने देंगे। इकॉनमी नहीं है पाकिस्तान की, कुछ डिमांड्स होती है माशाल्लाह लगाने की, कैसे माशाल्लाह नहीं लग सकता। अब हम अवेयर हैं, वेल अवेयर्ड है ये अवाम पब्लिक, ये माशाल्लाह कह दिया तो लग गया जी नहीं। अब हम इन कैसे 3 दिन में हालात रहे हैं, फौज और सारे लोग आमने सामने थे, बहुत क्रिटिकल कंडीशन से गुजरे हम 3 दिन। आपको पता है नेट भी बंद था, सारे हालात एक दफा तो ऐसे जैसे जिंदगी रुक सी गई है। बिल्कुल जी, हमें तो दुनिया वीरान लगने लग गई थी, पाकिस्तान वीरान लगने लग गया था, हमारा लीडर जब इनकी कस्टडी में था। लेकिन ईमान था हमारा अल्लाह पे कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह इनके चुंगल से उसको बचा के लेकर आएगा, और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह और वो चीज़ हुई, अल्लाह ताला ने बचाया। लेकिन ये जो है ना, जो हालात जो जाहिर बात है फौज और अवाम सामने आई, हम लोग ये चाहते नहीं थे, हम लोग नहीं चाहते थे। दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, एक रोमांस था वो ख़त्म हो गया, ख़त्म। लेकिन जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हमें मजबूर कर दिया गया, हमारे लिए हालात ऐसे पैदा कर दिए गए। तो जाहिर बात है एक जब इतना ज़्यादा हुए ना कॉर्नर टाइगर, जब इतना ज़्यादा आप पीछे लगाओगे ना दीवार के साथ, तो एक जानवर भी जो है ना झपटता है। ये अभी जो आपने पूछा ना कि आपके लिए सबसे ज़्यादा खुशी का दिन कौन सा था इतने दिनों में से, मेरा ख्याल आज सबसे ज़्यादा खुशी का दिन है। क्यों? क्योंकि आज हमारा लीडर दुश्मनों के घेरे में से निकल के उनके मुंह पे तमांचा मार के सुरखरू होकर वापस आ रहा है, तो हमारे लिए तमाम दिनों में से खुशी का दिन आज का दिन है। और मैं समझती हूँ कि आज का दिन हमारे जो नौजवान शहीद हुए हैं उनकी कुर्बानी रंग लाई है, और आज हमें ये दिन देखना नसीब हुआ है, और हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, और अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी कबूल फरमाए, उनकी शहादत कबूल फरमाए, उनको शहादत मुबारक हो। और उनकी शहादत की वजह से आज हमें ये दिन देखना नसीब हुआ है। दिल दुखी भी हैं लेकिन एक तरफ खुशी भी है, बहुत अजीब से अंदर जो है ना हमारे जज्बात बहुत मिले जुल अजीब से कैफियत हुई हुई है कि क्या करें, खुशी मनाया। लेकिन उन्होंने भी जिस वजह से कुर्बानी दिया अल्हम्दुलिल्लाह, वो उनकी कुर्बानी रंग लाई है। अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है, तो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है हम। अच्छा, कैसा दिन है आज का आपके लिए, कितनी एक्साइटिंग है आप? हम लोग जो 3-4 दिन से हमारी जान फंसी हुई थी खान साहब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, अपने बहन भाइयों का आपको पता शहीद भी किया गया, उनकी कुर्बानियों पे हम रो रहे थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तो कमी हमें सारी ज़िंदगी महसूस होगी, लेकिन आज हम खान साहब के इस्तकबाल के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे दिल खुशी से झूम रहे हैं। मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान झूम रहा है, जहाँ जहाँ ये लोग देख रहे हैं सभी झूम रहे हैं। वो इसलिए कि देखिए अल्लाह पाक ने उसको कितनी इज्जत के साथ वापस किया है हमें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि किस तरह वो इसको लेकर गए थे एक गलत कैसे फंसा के, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उनको सुरखरू करके आज यहाँ पे भेजा है। दही नाले धरना रखे, धरनी धुरनी हो सकती है कोई, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो धरना दे सके, वो धरनी भी दे सके मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनके हर जलसों में जो है ना या तो बिरयानी पेश होती है या पैसे पेश होते हैं, तो करती है तो कर ले, उन्होंने हमें इजाज़त नहीं दी, हम पूरा मना एहतजाज कर रहे थे। लेकिन खान साहब की हुकूमत में हमने कभी किसी को पूरा मना एहतजाज करने से नहीं रोका, और अब हम उनकी तो हुकूमत है, वो जो मर्जी करें। नहीं मैम, मतलब हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तोहीन नहीं,
अदलिया गलत जो है वो फैसले कर रही है, जहाँ तक नौबत क्यों आई? मेरी बात सुने, अदलिया तो इनके साथ नहीं ना हुई ना, वो रात को उनके जो है ना खुले नहीं, अदालतें नहीं खुली, इनकी वजह से रात के 12 बजे भी अदालतें खुल गई थी। लेकिन अल्लाह के करम से एक ऐसा बनता है जिसने सच और हक की आवाज को बुलंद की है, तो ये जो मर्जी कर ले, इनकी तो कोई अहमियत ही नहीं है। वहाँ बैठे ना बैठे, हमारी नजर में, पाकिस्तान की नजर में, पाकिस्तान की आवाम की नजर में, अदलिया की नजर में, क्योंकि ये तोहीन अदालत की है उन्होंने। जब अदालत ने एक फैसला दे दिया, हमारा खान जो है इस्लामाबाद कितनी दफा गया है, उसके टांग के भी चोट लगी हुई थी लेकिन वो फिर भी जाता रहा, लाहौर में पेशियां भुगतता रहा, इस्लामाबाद में भुगतता रहा, और हम अपने सब इदारों के साथ है, लेकिन इसमें जो काड़ी बह रहे हैं उनका हम जो है मुकाबला करने के लिए तैयार है। मैम, आप शुरू से जमान पार्क में आती हैं, हमने पहले भी आपके इंटरव्यू किए हैं, सबसे बेहतरीन दिन कौन सा था आज तक का? देखिए जी, सबसे बेहतरीन दिन तो था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ जो दुआ की थी अपने रब और अल्लाह के रसूल के आगे, हम गिड़गिड़ा के हमने दुआएं मांगी थी अपने पाकिस्तान के हक में, और मुझे लगता है वो दुआएं हमारी कबूल हो गई हैं। 27वीं रात को अल्लाह पाक ने यहाँ पे रहमतों की बारिश की थी, और दूसरा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खान भी आज वापस आ रहा है, और आज हमारा बेहतरीन नुसरत का दिन है, खुशी का दिन है कि वो बाइज्जत होके हमारा आ रहा है और शान शौकत के साथ आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या समझ रही है कि खालसा मजीद पहले से ज्यादा मजबूत नहीं हुए? बहुत ज्यादा जी, लोग मरने को तैयार हो गए एक बंदे के पीछे, क्यों? उसमें कोई चीज तो है ना। हम लोग रात के अपने घर बार छोड़ के यहाँ बैठे क्यों? क्योंकि वो सच्चा और एक ईमानदार लीडर है, उसके अलावा हमारे पास कोई लीडर नहीं है। क्या समझती है पहले से ज्यादा पीडीएम कमजोर हो चुकी है, आप उनको नजर कुछ नहीं आ रहा? वो पहले से की कांपे टांग रही थी ना, मुझे तो लगता है वो सब कुछ ही कांप रहा है उसका। मैं आपको ये बता दूं, अब वो कांपना नहीं, अब वो मरना सा, वो कहते ना वो मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो गए उनको, लेकिन अदालत के साथ उनको भी चलना चाहिए, अगर अकलमंद है तो जरूर चलेंगे, लेकिन इन्होंने खोता बिरयानी खाई हुई है, मुझे नहीं लगता ये अकल का, नाखून भी लेंगे। चले, बहुत शुक्रिया, अगले सेगमेंट में दोबारा मिलते हैं, इसी के साथ अपने उसको इजाजत दे, अल्लाह हाफिज़।